हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आज एसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ आज हमको एक नया लेक्चर देखना है जिसका नाम है रॉक्स एंड फॉसिल। ठीक, टॉपिक का नाम है रॉक्स एंड फॉसिल, चैप्टर है हमारा एवोल्यूशन, क्लास 12 के बच्चे हमको देख ही रहे हैं। सब्जेक्ट अपना चल रहा है बहुत बेहतरीन बायोलॉजी, जिसकी बेसिक से आपको तैयारी कराई जा रही है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए, अगर मान लीजिए आप लोग बोर्ड के बच्चे हैं तो बोर्ड के नजर से देख लीजिए, नीट वाले हैं तो नीट की नजर से देख लीजिए, और अगर आप लोग बोर्ड और पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, या आपको स्पेशली आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाने को मिला है कि रॉक्स एंड फॉसिल पे कोई प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के तहत भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक माना जाता है, तो उस नजरिए से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने की गारंटी हमारी है और कायदे से सुन के समझने की गारंटी आपकी है। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रॉक्स एंड फॉसिल। देखिए, टॉपिक तो बड़ा बेसिक है, क्यों? रॉक्स मतलब पत्थर। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने जब से जन्म लिया और आज तक, जब आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तब तक आपने पता नहीं कितने प्रकार के पत्थर देखे होंगे। पत्थर ही नहीं, बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे। हो सकता है जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग पहाड़ पे रहते ही हों, जिन्हें हम लोग कहते हैं पहाड़ी लोग हैं। ठीक, तो पहाड़, पत्थर, ईंटा, पत्थर, गिट्टी, मोरंग, इन सबसे तो हमारा जो मुलाकात है वो बचपन से ही हो जाता है। तो उसी के बारे में हमको देखना है कि आखिर ये सब आए कहां से हैं, क्या है, कैसे हैं, कैसा काम करते हैं। दूसरा चीज है भैया फॉसिल। फॉसिल क्लास 6 से लेके 12 प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक आता है। फॉसिल क्या है? जीवाश्म। जीवों की जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ सालों बाद उनकी शरीर में बचता क्या है, यदि उन्हें दफनाया जाए, या मान लीजिए कोई जानवर है और वो मर गया और उसका कोई देखभाल ना हुआ, मृत्यु के पश्चात मरने के बाद उसे कहीं खोद के गाड़ा ना गया, तो क्या होगा? धीरे धीरे समय के साथ उसके ऊपर मिट्टी आके जम जाएगी, वो जमीन के लेयर में दबता हुआ चला जाएगा। तब उसमें बचेगा क्या? उसका मांस तो गल जाएगा, जो उसके बॉडी में मसल्स हैं, बचेंगे सिर्फ बोन्स, उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल। क्या? जीवाश्म। तो आइए अपने टॉपिक को देखते हैं भैया। देखिए, कह रहे हैं रॉक्स जो एनसीईआरटी क्लास 12 में दिया गया है वो तीन प्रकार का है। कैसे? पहला प्रकार वाला है सेडिमेंटरी रॉक, दूसरा है इग्नियस रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। और उसी के साथ साथ हमको इसी में दो तीन टॉपिक देख लेने हैं, जैसे थोड़ा सा है फॉसिल के बारे में, और फॉसिल की टेक्निक मतलब रॉक का एज कैसे निकाला जाता है, और जब हम किसी पत्थर की उम्र निकालेंगे, जैसे हमारी उम्र मान लीजिए आज है 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकती है। उसी प्रकार से अगर आप लोग पत्थर की उम्र निकालेंगे तो पत्थर आज तो बना नहीं है, उसकी उम्र होगी 1,00,000 साल, 2,00,000 साल, 10,00,000 साल, या 1,00,000,000 साल, 10,00,000,000 साल, या 10,00,000,000 साल, बहुत बड़ी एज हो सकती है। जितना पुराना पत्थर उतना पुराना एज। तो उसे कैसे निकालते हैं ये भी हम देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसमें पहला हमें पढ़ना है सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए, सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है, या एक कहता क्या है, असल में कह रहा है कि भैया ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट लेयर ऑफ माउंटेन विच फॉर्मिंग मिलियंस ईयर एगो। अच्छा, कह क्या रहा है कि मान लीजिए, अगर आपको समझाएं तो आप समझ सकते हैं। आपके लिए स्पेशली स्क्रीन पे फोटो लगवा दिए हैं, वहां से देख लीजिएगा। कह क्या रहा है कि मान लीजिए कभी किसी समय में कोई एक नदी थी, छोटा सा तालाब था या नदी था, समय के साथ क्या हुआ, उसमें कोई मछली, भाई नदी या पानी में ही मछली रहेंगी, कोई मछली मान लीजिए उसमें मर गई। ठीक, उसका उम्र पूरा हो गया। बहुत सारे मछली से भी बड़े बड़े जीव रहते हैं, मान लीजिए बढ़ गई मछलियां, मर गई हो, बड़ी मछली मतलब क्या होगा, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, ये सब, इन सब का डेथ हो गया, और समय के साथ उसमें पानी कम होता गया, कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी उड़ते गए, उसमें आते गए, और धीरे 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 जो नदी थी वो क्या हुआ, जमीन के लेवल में आ गई। फिर वो जब जमीन बन गई, लोग उसे खेत में यूज करने लगे,
खेत में जब यूज करने लगे, किसी दिन किसी इंसान की डेथ हो गई, उसे ले गए, उसे वहां गाड़ दिए, दफना दिए, फिर क्या हुआ, कोई जीव था वो उस पे आया, उसका डेथ हो गया, वो धीरे 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 जो मिट्टी था, जो नदी मिट्टी मतलब जमीन बन गया है समय के साथ, वो धीरे धीरे और मिट्टी जमा और वहां पूरा बन गया माउंटेन मतलब पहाड़। अब ये एक दिन में थोड़ी होगा, इसीलिए तो यहां लिखा गया है ये कारनामा होगा मिलियंस, एक मिलियन नहीं मिलियंस ऑफ ईयर, कई सौ कई हजार साल कई लाख साल बाद। ठीक, अच्छा उसमें क्या हुआ, अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, किसी पहाड़ को मान लीजिए उन्होंने तोड़ा या काट दिया, फिर जैसे ही उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ा या काटा किसी भी मशीन किसी भी औजार के यूज से, तो उन्हें देखने को क्या मिलेगा, जैसे जैसे वो पहाड़ को काटते जाएंगे वैसे वैसे जिस जिस लेयर में जो जो जीव है उनको मिलेगा, उनकी बोन्स मिलेगी, हड्डियां मिलेगी, फॉसिल मिलेगा, वही तो है फॉसिल, उन्हें वो फॉसिल मिलता हुआ चला जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, जो रॉक है हमारे पास कई सारी टेक्निक है उनसे हम उसको एज निकाल लेंगे, और जिस लेयर में, जैसे अगर आपको हम समझाएं तो मान लीजिए छोटा सा हमारा क्या है भैया, छोटा सा था माउंटेन, इसमें यहां से है तो लेयर का साइंटिस्ट कई सारा नाम दे देंगे, फिर देखिए क्या होगा, जिस लेयर जिस हॉरिजन साइंटिस्ट उसका एज निकालेंगे उसमें क्या होगा, जहां पे मान लीजिए यहां पे कोई एक जीव है जो दफन है, कोई एक जीव है जो दफन है, जब साइंटिस्ट यहां तक पहुंचेंगे खुदाई करते करते उनको उसकी बोन मिलेगी, तो पहला काम क्या करेंगे, जो पत्थर है जिसमें जिस पत्थर के पास वो मिला है मिट्टी में उसका एज उनको निकालने की टेक्निक पता है, जैसे ही उस एज का टेक्निक निकला वैसे ही उसी समय वो जीव वहां पे लाके दफनाया गया होगा, और आज उस पत्थर मतलब जैसे जैसे मिट्टी नीचे जा रही वैसे वैसे वो जीव उस लेयर पे है, इसी को साइंटिस्ट मान के उस जीव की भी एज दे देते हैं, कहते हैं ये जो जीव है जैसे जो डायनासोर है वो करीब 1000 साल पहले पाया जाता था या 10000 साल पहले पाया जाता था, उसी एज की लाइफ निकालते हैं, जिस एज की लाइफ मतलब उसी रॉक की लाइफ निकालते हैं, जिस रॉक के पास जो जीव पाया जाता है वही उसका एज डिसाइड या डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है भैया सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे ज्यादा पढ़ाई में मतलब फॉसिल जीवाश्म की पढ़ाई कि कौन सा जीव कितना पुराना है कौन सा नया है, इसको करने में सबसे ज्यादा सेडिमेंटरी रॉक का ही उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा रॉक ऐसा है जो फॉसिल की स्टडी में सबसे ज्यादा यूज होता है, सेडिमेंटरी, इग्नियस या लास्ट वाला कौन सा है, मेटामॉर्फिक, तो सेडिमेंटरी होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, इसका टर्म थोड़ा नाम लेना कठिन है लेकिन याद करिएगा पेपरवा में क्वेश्चनवा हर साल आता है। फिर क्या कह रहा है, साइंटिस्ट करते क्या है, पत्थर की उम्र निकालते हैं, उसी में जो एनिमल दफन है वो भी रहता है, उसी से उसकी एज भी पता लग जाती है। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ, अब देखिए उसके बाद एग्जाम्पल इसका लाइव है डायनासोर, भाई कई सारे बड़े बड़े म्यूजियम है जहां डायनासोर की हड्डियां मिली हैं, मिट्टी में ही तो दबी थी, उसी एज जिस जगह डायनासोर दफन था उसके इर्द गिर्द वाले जो भी चट्टाने पत्थर था उनका साइंटिस्टों ने एज निकाला, उसी से बताया डायनासोर इतने लाख इतने हजार साल पहले पाया जाता था, उसमें कुछ करना थोड़ी है, मशीन है चक्की है बता दिए। फिर देखिए कह रहा है एक टर्म आता है पेपर में अनअल्टर्ड फॉसिल, क्या नाम है, अनअल्टर्ड फॉसिल, ये क्या होता है अनअल्टर्ड फॉसिल, बहुत कठिन टर्म नहीं है, नमुआ कठिन है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है भैया वो फॉसिल जैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई एक जगह है बर्फ वाली, वहां जो कोई जीव है वो मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई और समय के साथ वो उसी बर्फ में दब गया, अब जब दब गया तो क्या होता है, अगर कभी आप लोग एग्जांपल देखे हो लाइव में कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो अगर उसके लाश को एक दिन दो दिन तीन दिन रखा जाता है तो बर्फ रूप में उसको रखते है ना, ताकि उसकी जो बॉडी है वो कम डिके हो कम खराब हो ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम उसको रख सके, वही कंडीशन यहां हुआ है, कोई जीव ऐसी जगह पाया जाता था जैसे अंटार्कटिका उका वाला जो बवाल है वहां पे किसी का मृत्यु होगा तो मान लीजिए वो बर्फ में पैक है
मर तो गया लेकिन मरने के बाद भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी जो बॉडी है वो जैसी है लगभग लगभग वैसी ही रहेगी। यही कहता है अनअल्टर्ड फॉसिल कि कोई ऐसा फॉसिल हमको मिले, कोई ऐसा जीव मिले जिसकी डेथ बहुत पहले हुई है लेकिन आज भी उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और एग्जाम्पल हमको देखने को मिला था वुली मैमथ, बहुत पहले के समय में एक प्रकार का हाथी पाया जाता था जो बड़ा विशाल काय होता था, और वो हमको मिला था बिल्कुल सेम, जो कि अनअल्टर्ड फॉसिल का लाइव एग्जांपल है। फिर क्या कह रहा है भैया, फॉसिल का मतलब यही, उसका डिफिनेशन दिया गया है लगभग 100% प्रिजर्व रहेगा। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए खुद फॉसिल क्या होता है, पूरा पजिलवा तो पढ़ा दे, फॉसिल होता क्या है, डिफिनेशन में क्या लिखेंगे वो सुनिए। कह रहा है इट इज अ प्रिजर्व रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी जीव के शरीर में जो हार्ड पार्ट मतलब उसकी हड्डी होती है उसी का बचा हुआ रूप जो प्रिजर्व है, आज भी मिट्टी के अंदर दफन है, जब हम उसको खोद के निकालेंगे तो उसे हम फॉसिल कह देंगे। दूसरा टाइप है इग्नियस रॉक, ये क्या होता है बहुत आसान है, पूरा ज्वालामुखी की नीचे बना है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो क्योंकि हमारी आर्ट जो है वो थोड़ी हैवी है, ठीक, तो आराम से समझिएगा। ये है बना है ज्वालामुखी, आप सबके लिए स्पेशल बनवाए हैं, मतलब बनाए हैं बनवाए नहीं है। कह रहा है भैया कि मान लीजिए किसी समय पृथ्वी पे जब ज्वालामुखी फूटा, जैसे फूटा वैसे क्या हुआ, जो उसका लावा और निकल के उसके चारों तरफ आके बिखर गया, वो जो लावा था जब ठंडा हुआ तो उसने एक चट्टान का रूप ले लिया, जिस चट्टान जिस पत्थर को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक, इग्नियस रॉक तो बनेगा कैसे, मेनली वोल्केनिक इरप्शन से। दूसरा चीज, इसी से हमें एक बहुत तगड़ी धातु मिलती है जो है असल में नॉन मेटल लेकिन फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्वेश्चन सब पे आएगा। ठीक, कौन सा है, वो है ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल के नोक जो होती है उसकी नोक पेंसिल जिससे लिखते हैं वो भी तो ग्रेफाइट की बनी होती है। लाइव एग्जांपल करना हो तो एक काम करिएगा, पेंसिल का दोनों एंड छीनिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद एक तरफ से तार इधर जोड़िएगा, एक तरफ से इधर जोड़िएगा, पूरा कनेक्शन दे दीजिएगा बल्ब में, और स्विच दबाएंगे जब आप लोग तो पेंसिल जितनी दूर लगी है उसमें उसके अंदर से भी करंट एक तार से दूसरे में जाके बल्ब को जला देगा। तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में गिना जाता है। अच्छा, इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है, हार्ड स्टोन, बहुत मजबूत पत्थर जो है, कुछ प्रकार के पदार्थ मतलब मैटर, जैसे एग्जांपल में फर्टाइल सॉइल जो यहां से वोल्केनो से हजारों सालों से जो लावा जमीन में दबा है वो जब निकलेगा तो उसमें कभी भी कोई भी खेती नहीं की गई है, तो जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसमें से क्या निकलता है, जो ये चट्टान बाद में बनेगा अगर इसको हम मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बड़ी फर्टाइल सॉइल होती है, ये भी इसका एक यूज हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर कुछ नहीं करेंगे तब क्या करेगा, जिस जगह फैलेगा वो वोल्केनो का जो लावा है, जहां फैलेगा वहां जब पृथ्वी पे पड़ेगा तो हजारों लाखों सालों बाद, अगर इस चैप्टर का आप पहला या दूसरा वीडियो देखेंगे तो हमारी पूरी पृथ्वी जिस हम सतह जिस लेयर पे खड़े हैं पृथ्वी पे, जिसका रोज सुबह शाम जहां हम लोग खड़े हैं फर्श और जहां बनवाए हैं, वो खुद एक वोल्केनो का लावा है। जब पहली बार पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी का शुरुआत इसके लावा से ही हुआ था। अच्छा, तीसरा पार्ट हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक, बहुत आसान बड़ा सिंपल, क्या कहता है भैया, कह रहा है फॉर्म ड्यू टू हैवी प्रेशर, किसी जगह जैसे मान लीजिए आप लोग साइकिल में हवा भरते हैं, क्या करते हैं हवा भरते हैं, हवा जब भरते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जब हवा भरा जाता है तो साइकिल के पंप से साइकिल के टायर में प्रेशर लगाया जाता है ताकि हवा भर जाए। तो कह रहा है धरती इतनी वजन है कि इसके अंदर कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो भारी दाब के कारण बन गई है, मिट्टी उट्टी आपस में जुड़ के चट्टान का रूप ले ली है, या ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कहीं कहीं बहुत गर्मी है क्योंकि पृथ्वी खुद ही एक आग का गोला था शुरुआत में, तो ऊपर का सतह तो आज भी ठंडा है लेकिन अंदर वह खोदेंगे तो कोर में जब जाएंगे आप लोग मेंटल कोर में तो वहां पूरा लावा है, तभी तो पृथ्वी से लावा निकलता है, तो ओवर हीट के कारण किसी मिट्टी को बहुत पकाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुल्हड़ उल्हड़ ऐसे तो बनता है, और कुल्हड़ में थोड़ा बहुत उसको गर्मी दी जाती है, जहां आगे आग निकल रहा है वहां क्या हाल होगा, मिट्टी जब चट्टान में बदल जाए किसी भी बाहरी कारण से
कोई नया पत्थर फॉर्म हो जाए, ऐसे बने पत्थर को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसका एग्जांपल है कंचा, जो हम लोग खेलते थे बचपन में, ठीक याद है ना। एक होता है क्वार्टजाइट, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री बहुत पढ़ाते हैं इसलिए, बाकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है सिर्फ मार्बल, जो आप लोग याद कर ले। एक कंडीशन होता है प्रिंट। प्रिंट क्या है? जैसे कहते हैं कि भैया राम सेतु जब राम जी रामायण में बनाए थे तो वो एक चिन्ह है। क्या है? एक चिन्ह है, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है, तो उसको आज भी साइंटिस्ट चेक करते हैं। राम सेतु का पत्थर हुआ जो है कितने साल पुराना, मतलब उतने साल पहले रामायण हुआ था। प्रिंट से ये पता लगता है। अच्छा, आखिरी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हैशटैग वर्ड मान लीजिएगा। तीन ऐसे प्रकार है जिससे हम रॉक मतलब पत्थर की उम्र निकाल सकते हैं। पहला टेक्निक है कार्बन डेटिंग, बहुत पहले यूज किया जाता था। दूसरा था यूरेनियम डेटिंग, थोड़ा सा कार्बन डेटिंग से मॉडिफाइड अच्छा टेक्निक था। आज के प्रेजेंट समय में हम लोग यूज कर रहे हैं ESR, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस टेक्निक का, जो मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक, मतलब ये भी बता देता है अगर कोई जीव किसी पत्थर में गाड़ा गया है, दबा है, तो जब उसको हम काटेंगे तो ये भी पता लग जाएगा किस दिन मरा था। इतना तक साइंटिस्ट ऐसा दावा करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक है। तो पूरा लेक्चर यहाँ समाप्त होता है, लेक्चर 07। अगर पसंद आया हो तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को 1-2 हजार लोग में शेयर कर दीजिए। अगर आपको पर्सनली पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए, बाकी नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। लेक्चर डेली अपलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।